ऐड करने के लिए आपको आउटलुक का लॉगिन करना है। हाँ, आउटलुक का लॉगिन करने के बाद में आपको क्लिक करना है एडमिन पैनल पे। एडमिन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है बिलिंग में। बिलिंग में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेमेंट मेथड्स, और पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे ये जो है एग्जिस्टिंग कार्ड है तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, नहीं तो ऊपर वहाँ पे ऐड पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे नया कार्ड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद में आप कार्ड डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी मतलब आपके क्रेडिट कार्ड है, मोस्टली क्रेडिट कार्ड ही आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वो आपके सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कुछ फ्रॉड वगैरह होता है तो क्रेडिट कार्ड का एक टीम रहता है, सो दैट वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ऐड करने के बाद में आपको ये 2 रुपीज़ का डिडक्शन आएगा, जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि आप खुद ही इसको ऐड कर रहे हो ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड कर दिया। फिर OTP एंटर करने के बाद में सबमिट करना है, और फिर आपका ये जो है पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 2 कार्ड दिखा रहा है, और जो हमने सेकंड ऐड किया है वो ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि उसी से पेमेंट्स होगा, तो वो प्राइमरी मेथड होगा। अभी ये सेकंड वाला जो है तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, जस्ट वो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में डिलीट का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन डिलीट एंड दैट कार्ड विल बी रिमूव फ्रॉम हियर। सो इस तरह हम नया पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।